आज तक का स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कैबिनेट की पहली ब्रीफिंग में। मोदी सरकार ने जिम्मा संभालने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक की, क्या फैसले लिए गए? 1000 करोड़ रुपया अब इस योजना के अंतर्गत किसानों को दिया जाएगा। मैं समझता हूँ पहली मंत्रिपरिषद और पहली मंत्रिपरिषद में किसानों के हित का यह निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। सामान्य तौर पर सरकारें जब चुनाव का समय होता है तो इस प्रकार के निर्णय करती हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का यह निर्णय मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करता है और यह भी सिद्ध करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार सिर्फ चुनाव और वोट लेने के लिए सरकार नहीं है। यह सरकार वास्तव में किसानों की माली हालत सुधारना चाहती है। एक दूसरा निर्णय भी आज कैबिनेट में हुआ, वो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग ऐसे 12-13 करोड़ लोग हैं जो इस योजना में कवर होंगे, लेकिन पहले चरण में 5 करोड़ लोगों तक यह योजना पहुंचे और यह हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के किसान ज्वाइन कर सकेंगे और इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी उनकी पत्नी होंगी उनको 50% इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में लगभग 10000 करोड़ रुपया खर्च आएगा और क्योंकि जब एक व्यक्ति अपना अंशदान जमा करेगा, जैसे 18 साल में जिसने अपना ज्वाइन की इस योजना को, तो उसे 55 रुपये मासिक देना होंगे, तो 55 रुपये वो देगा तो 55 रुपये सरकार देगी। इसी प्रकार से 18-40 तक हर वर्ष का शेड्यूल बना हुआ है, तो जितना पैसा हितग्राही देगा उतना ही पैसा सरकार देगी। इसके लिए 10000 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रावधान किया है, जो दुनिया में एक तौर से अनूठी योजना है और इस योजना से आम गरीब और छोटे गांव में रहने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर में बदलाव आएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और लगातार जो मोदी सरकार किसानों के हित में निर्णय कर रही है उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में भी इसका उल्लेख किया है और मैं समझता हूँ आज खेती के क्षेत्र में किसान के हित में ये दोनों निर्णय हैं। ये दोनों निर्णय करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने वायदा किया था उसको निर्वहन करने की शुरुआत कर दी है। As you have seen, landmark decisions by Modi government in the very first meeting of the newly constituted cabinet. तो इसी श्रृंखला में किसानों के लिए और एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और वो सरकार की संवेदनशीलता दर्शाता है। यह अबोल पशुओं के लिए है, उसमें अनेक रोग होते हैं जैसे फूट एंड माउथ डिसीज होता है या दूसरे भी प्रकार के वो बीमारी आती है, उससे दो नुकसान होता है। पहले तो दूध कम मिलता है, कुछ तो बीमारियां ऐसी है कि पूरे जीवन में जितना। तो पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों के मद्देनजर अभी तक सिर्फ एक सीमित दायरा था
कि इतने ही हेक्टेयर वाले किसान को ये मिलेगा, लेकिन अब ये दायरा बढ़ा दिया गया है और ये जो स्कीम है किसान कार्ड की जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं वो सभी किसानों तक बढ़ा दिया गया है, फैला दिया गया है। बड़ा फैसला पहले ही कैबिनेट बैठक में इस सरकार के यानी मोदी सरकार टूट गया। भाई लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।